क्या लाइफ है मास्टर तेरी, दिन में बालकों को ट्यूशन पढ़ाना और रात की उनकी मम्मियों से फीस लेना, बस क्या लाइफ चल रही है। कोई डिस्टर्ब ना करे मुझको। मास्टर जी, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तो मर गया। तू कहाँ बर्बाद हो गया, तू तो सही सलामत खड़ा और तेरा भी मनोबल। अरे मास्टर जी, हम तो खत्म बराबर ही हो गए, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन में लगेंगे रुपया। तू क्यों परेशान हो रहा है, तेरे पापा को बोल, तेरे पापा पैसे देंगे डॉक्टर को और डॉक्टर कर देगा तेरी मम्मी को ठीक। अरे मास्टर जी, अगर हम पे पैसे होते तो मैं आपके पास क्यों मांगने आता, मेरी आपसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के मिलती है मुझे। एक बार 1,00,000 रुपए दे दो, 2 महीने में वापिस उल्टे दे दूंगा, चाहे ब्याज भी लगा लेना आप। देख भाई दिनेश, वैसे तो मैं पैसे किसी को देता नहीं, बात मम्मी की आ गई तो मम्मी के आगे मैं झुक जाता। और रही बात तेरी मम्मी, तेरी मम्मी के आगे मैं टूट जाता हूँ। देख भाई, 2 महीने में मेरे पैसे वापस आ जाने चाहिए, तुम अभी तो मेरा प्यार भरा रूप देख रहा है, बाद में बदमाशी वाला रूप देखेगा तुम। योर मम्मी नेम इज सरोज, सरोज बेबी, सरोज बेबी। तो ये ले, ये तेरे 1,00,000 रुपए पेटीएम पेमेंट डन। अरे मास्टर जी, आपका एहसान मैं कैसे उतारूंगा। अरे उतारने को तो मेरी पेंट उतार देना, जस्ट किडिंग। वैसे तो कोई बात नहीं है, हमारे नीचे का हिस्सा सुन पड़ा रहता है। जा, तेरा टाइम स्टार्ट हो गया है, कहीं नुकसान में ना चला जाओ तुम। भाई क्या रुपए कमा रहे हम तो, ब्याज पे मजा ही आ जाएगा। थोड़ा सा बेला बुद्धि है क्या, हमारे घर के अंदर जब तेरे कह दी कि हमारे घर के अंदर दुनिया का सबसे महंगा मार्बल लगना चाहिए, तो तुझे एक बात समझ क्यों नहीं आ रही। और क्या कह रहा था तू, 2 कट्टे सीमेंट है, हमारे घर में 200 कट्टे सीमेंट लगने चाहिए, हमारा पिलर बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, 20 मंजिली मकान का 1 कंकड़ तक नहीं हिलना चाहिए। हम चूतिया है और पैसा बदमाश है। ओ सॉरी 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 सॉरी, पैसा चूतिया है और हम बदमाश है। हमारे लिए तो भाई तू ही बदमाश है, मेरी उधारी वापिस ले दे यार। अबे ओ मास्टर, तेरे 1,00,000 रुपए लेने के पीछे हम क्या ये गांव छोड़ के भाग रहे हैं क्या? ओ भाई ओ, 1,00,000 नहीं 1.5 लाख, बहुत गड्डी। ओके ओके, आई करेक्ट माय वर्ड, तेरे 1,50,000 रुपए लेने के पीछे क्या हम ये गांव छोड़ के भाग रहे हैं? अरे भाई, गांव छोड़कर भागने की बात नहीं है, लोगों की अपनी उधारी लेने के लिए चप्पल घिस जाती है, मेरी उधारी के लिए मेरे पांव। अबे यार एक काम कर दे, चप्पल के 150 रुपया भी जोड़, तेरे पांव के 2 रुपया भी जोड़, ले 2,000 साल से तूने 200 चक्कर दे दिए, तुझे तेरे पैसे मिले नहीं मिले ना, तो इतनी तो शर्म तुझमें भी होनी चाहिए, अगर बंदे के पास पैसे होते तो वो तुझे दे देता। यार बहुत तंगी चल रही है भाई, बहुत तंगी चल रही है। अबे तूने वो 2,00,000 रुपए भेजे नहीं भाई? यार बहुत तंगी चल रही है, तू चला जा, जब मेरे पास पैसे होंगे तुझे मैं दे दूंगा। अरे भाई मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, तेरे पांव पकड़ रहा हूँ, मुझे मेरी उधारी वापस लौटा दे यार। पांव तूने पकड़ा ही नहीं। अरे यार भाई, नहीं, नीचे रख दे, चल निकल जा यहाँ से, गंदी शक्ल के निकल जा। मास्टर जी ऐसे परेशान कैसे घूम रहे हो? अरे यार भाई क्या बताऊं, दिनेश को मैंने 1,00,000 रुपए दिए थे, वो वापस नहीं दे रहा है यार। तो आप ऐसा करो, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दो। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने से मेरे रुपए वापस आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, पुलिस का यही काम है। आप ऐसा करो, आगे से राइट हो जाना। चलो ठीक है भाई। अरे रुको, 2,000 रुपए निकालो। किस बात के? मैंने आपको सजेशन दिया था ना, इस बात के। तो हमारे बीच पैसे की बात हुई नहीं, अब हो जाएगी। वो देख, अरे वो क्या है, देख। अरे भाई तूने बाइक 1,00,000 रुपए की ली थी ना? हाँ। तो इसकी रेट अभी 150 रुपए बची, तो फटाफट मुझे बेच दे वरना इसकी रेट और कम हो जाएगी। तो भाई मेरी बाइक की इतनी जल्दी रेट क्यों गिर रही है? अरे ये खराब हो गई, इसकी रेट ऐसे ही गिरती है, तू एक काम कर, यहाँ पे साइन कर दे और ये बाइक मेरे नाम पे कर दे, वरना इसकी रेट अभी 50 रुपए बचेगी। पिंजरे की शेर बन के आ, पिक स्टेपर आने चकने से
हाँ वो मामला सेट हो गया क्या? ले दे के सेट कर दिया उसको भी। चल कोई नहीं ठीक है फिर। हाँ भाई तेरा क्या मीटर है बता। सर 1 लाख की बाइक थी मेरी, 150 रुपये में लेके चला गया। कौन लेके चला गया? दिनेश था सर। अरे यार जैसे इंसान हो रिश्वत के पैसे भी टाइम टू टाइम नहीं भेजते हो, इससे अच्छे तो सैलरी वाले भी महीने के महीने आ जाते हैं, टाइम इतना थोड़ी ना लगता है यार रिश्वत के पैसों में। हेलो रश्मि साहब। हाँ बोलो आपका क्या मीटर है? सर मेरे साथ स्कैम हो गया। कैसा स्कैम हो गया? सर दिनेश को मैंने 2 महीने पहले 1 लाख रुपए दिए थे और अब उसका ब्याज मिलाकर 1.5 लाख रुपए हो गए हैं और वो दे नहीं रहा है। चलो आपका भी कुछ प्रोग्राम बनाते हैं मास्टर जी, ये क्या बात हुई, करेंगे उसको भी सेट कर देंगे, दिक्कत कोई ना। ठीक है यार इस दिनेश की कंप्लेंट बहुत आ रही है, इसका कुछ करना ही पड़ेगा। चलो आज जाके मिलते हैं इससे। मुझे नहीं पता अगले 29 सेकंड में मेरे खाते में 50 करोड़ रुपए आ जाने चाहिए। ठीक है तुझे तो पता ही है पैसा चूते और हम बदमाश। अबे ओ बदमाश चल थाने चल तू, बाकी बात बाद में करना। ले फोन मेरे को दे, पहले फोन मेरे को दे। अबे ओ मेरा फोन दे पहले तो। अरे रुक यार और पहले मुझे मैटर बता। मैटर क्या? मुझे पहले मोबाइल तो दे यार। मैटर बता दूंगा, मुझे मैटर बता मैंने क्या स्कैम किया है। बताऊं तुझे? हां बता। पहले तो ये सुन, ये राकेश की बाइक 1 लाख रुपए की तूने 1 रजनीगंधा की जिप्पर के भाव के अंदर खरीद ली साले। रही बात दूसरी, तूने मास्टर को ठगी मार के 1 लाख रुपए ले लिए उसके और तू नहीं दे रहा है। तू उस राकेश को उस मास्टर को यहीं पे बुला ले, मैं थाने नहीं जाने वाला। मेरी यार इज्जत है, ऐसे बदमाशों में मैं ऐसे कैसे थाने चला जाऊंगा? तुझे तो पता है पैसा चूते और हम बदमाश है। ये बात है। हाँ यहीं पे बुला ले, हम थाने नहीं जाएंगे, कोर्ट कचहरी सब यही होगा ऑन द स्पॉट। अरे मास्टर जी कहाँ हो, यहाँ जाओ, साथ में उस राकेश को भी अपने पजामे के अंदर लाल के ले आना। ठीक है जल्दी आना, इससे वेट नहीं होता है ज्यादा देर तक। आगे? हाँ आगे साहब, क्या बात हुई? वो दिनेश का मामला था और मैटर आप मेरे को कल बता के गए थे थाने में आके, बाकी बात है वो अभी इधर ही है, मैं बुला रहता हूँ उसको, कॉल करके बात कर लेता हूँ उसके साथ में। कहाँ है भाई बदमाश? आ जा, ये आ गए दोनों चेले, आ गए तेरे। आ जा जल्दी आ जा। हाँ इधर ही हूँ, इधर ही अभी। हाँ ले भाई आगे वो मास्टर और तेरे राकेश, आ जा उनसे बात कर ले। आ जा सुन। हाँ बोल बता। नीचे आ जा। तो मेरी देख है। हाँ दो केस है ना। हाँ दोनों के 250-250 रुपए पकड़, केस रफा दफा। ठीक है मुझे पता है तेरे सैलरी है जिसमें तेरा तान से नहीं आता। नहीं आता आज नहीं आता। हाँ, वो तेरे को मालूम। मुझे पता है तू हराम का ही खाता है, हराम का खा के क्योंकि तूने अपनी बीवी बच्चे पाल रखे हैं। एक काम का 250-250 रुपए पकड़ दोनों केस के, 500 रुपए ले कल्टी मार उनको भी पकड़। ठीक है ऐसे कैसे 500 रुपए ले लूं यार, कम से कम 2000 रुपये लूंगा मैं तो भाई। देख एसपी हाँ ना तेरी ना मेरी 350 में डन करते हैं। चल ठीक है मैं तुझे गूगल पे करता हूँ। हाँ जी एसपी साहब क्या बात हो गई बताओ। देख भाई मास्टर तुम बड़ा लिचड़ इंसान है, शर्म नहीं आती तेरे को ये सब काम करते हुए? ब्याज पे पैसे पहली बात देता ही क्यों है, और रही बात तूने दिए दिनेश को दिए, वो आप दोनों का पर्सनल मैटर है, मेरे को पता नहीं, आप अपना ले दे के मामला सलटा लो। और रही बात मेरी फीस की, वो मुझे 250 रुपये तुम पेटीएम कर देना। ठीक है तूने मेरे पैसे दिलवाए नहीं तो मैं तुझे फीस किस चीज की दूं भाई? देख भाई मास्टर तूने जो गवर्नमेंट का टाइम खराब किया ना उसके तहत मैं तेरे पे धारा 306 के अनुसार फांसी की सजा लगवा सकता हूँ। हाथ में तेरी है चाहे तो पेटीएम 250 रुपये कर या फिर जेल के अंदर 2-2.5 महीने रह फिर फांसी पे चढ़ जाना आराम से। ले भाई कर देता हूँ, चल तेरे मम्मी के नंबर बता। आई तू मेरे पास ट्यूशन के लिए आता था। तेरी मम्मी का नंबर मेरे पास है। क्या नाम था? हाँ मिल गई मगली बेबी। यस तो ये ले तेरे हो गए। हाँ दरोगा साहब अब मेरा क्या मैटर है? अबे 2 टके के लीचड़ इंसान, शर्म आप लोगों को आती नहीं है, बाइक में टाइम से ऑयल पानी डलवाते नहीं हो तुम लोग, फिर उसको दे देते हो। अब एक काम कर तेरे को ये केस नहीं सलटवाना है तो 150 रुपये की जगह चल तुम अपना रेगुलर ग्राहक 50 रुपये पेटीएम कर दे और ये मामला यहीं सेट हो जाए। सर मैं थोड़ा गरीब आदमी हूँ, कुछ ले दे के 10 रुपये गोल्ड फ्लेक भी लेते हैं साथ में। इतना तो दुखी हो गया तो चल तेरे लिए यही ठीक है। देख भाई दिनेश मैंने तेरा मैटर है वो क्लोज कर दिया है। ठीक है अभी तुम मेरे को पेटीएम पैसे कर दे
थोड़ी यहाँ से चलता बन। मैं तो निकल रहा हूँ और मैंने आपको पेटीएम कर दिया, ठीक है? देख ठीक लेना। फिर मैं संभाल ले। ओ तेरी साला, मेरे को भी चूतिया बना के चला गया, 350 की जगह 150 रुपये पेटीएम करके चला गया। चलो कोई नहीं, फिर कभी मिलेगा ही मेरे को।